आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे जो कि एक प्रभा खेतान फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, कोलकाता बेस्ड एक ट्रस्ट है जहां पे हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कलम के मंच पे, जहां हम हिंदी ऑथर्स और रीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए और काफी कुछ आपस में सीखने के लिए। तो आप सभी जितने भी यहाँ मौजूद है, मैं परवीन तुली यहाँ आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर कलाकारा और लेखिका दीप्ति मिश्रा जी यहाँ हमारे बीच आए हैं, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में और अपनी लेखन के बारे में हमारे साथ वार्तालाप करने। सो दीप्ति मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, आप आए और हमारे लिए समय निकाला, वी वेलकम यू। सो आपके बारे में मैंने जब आपके बारे में और पढ़ना शुरू किया, मुझे इतने रंग दिखे आपके कि मुझे समझ नहीं आ रहा था किन चीजों को समेट के, कहां मैं उन सबको समेट के क्या आपके बारे में बोलूं, पर थोड़ा बहुत कोशिश किया है। तो आपके बारे में एक छोटा सा, दीप्ति मिश्रा जी लखीमपुर में इनका जन्म हुआ था और ये ऐसे परिवार से है जहां माता पिता को कला के प्रति गहरी समझ थी और उन्होंने शिक्षा का बहुत महत्व दिया था। दीप्ति मिश्रा जी ने दिल्ली में आकाशवाणी दूरदर्शन का हिस्सा रह चुकी है और उन्होंने न केवल टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किया है बल्कि उन्होंने उनके लिए गीत भी लिखे हुए। शायरा के रूप में उन्होंने अपनी पहली मुशायरा में अपनी सफलता का स्वाद चखा और उर्दू साहित्य जगत में उनका खुले हाथों से स्वागत किया। उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई और गुलाम अली साहब ने एक एल्बम रिलीज की जहां पे उनके सॉन्ग्स उनके लेखन को गीतों में का रूप दिया। तो दीप्ति मिश्रा जी, आपको मैं ज्यादा आपका समय आपके बारे में बोलने के लिए नहीं लगाऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप आए क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक है और आपके आपकी जुबानी आपकी जिंदगी के बारे में और बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया कुछ सुनने आपकी। मैंने बड़ी कोशिश की कि शायद मैं एक शायरी बोलूं, पर मैंने आपके इतने वीडियोस देखे हैं और जो आपकी पैशन है शायरी सुनाने का, तो आई थिंक मैं बिल्कुल उस में नहीं बीच में पढ़ पाऊंगी। तो प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप म्यूटेड है ज्योति, आप आप दीप्ति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। यस जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी, हाँ जी। दीप्ति जी, अभी आप बताइए कि आप पहले तो आप आए। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी जर्नी में शुरुआत डायरी से लेखन से हुई थी जहाँ आप छोटी छोटी बातें अपनी डायरी में लिखती थी जो अलग अलग आगे जाके रूप लिया, जिन्होंने पोएम्स का, फिर गजल्स, फिर सॉन्ग्स, फिर काफी कुछ आपने लिखा है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई और आपने कब ये महसूस किया कि राइटिंग इज समथिंग दैट यू लव डूइंग और उसे आगे बढ़ावा देना चाहिए? शुरुआत सबसे पहले हम आपको बताते हैं, हमने पढ़ना जब सीखा था बहुत छोटे थे, नर्सरी में भी नहीं, एडमिशन हुआ होगा उस वक्त, और ए बी सी डी का खा गागा ये सीख रहे थे। उस वक्त कॉमिक्स आया करती थी, मैंड्रिक्स और फैंटम की, तो वो हमारे जो दीदी भैया थे वो लोग पढ़ा करते थे और हम उसमें सिर्फ फोटो देखते थे, तो कार्टून्स जो बने होते थे वो देखते थे, हमें पढ़ना आता ही नहीं था। और वो उसमें बना होता था ना ऐसे गोल सा, फिर ऐसे तीर सा बना होता जो बोल रहा था उसके, तो वो कॉमिक बहुत अच्छी लगती थी हमको, तो बहुत फैसिनेट करते थे, पढ़ना नहीं आता था। तो फिर भैया हमारे थे वो पढ़ रहे थे, उनसे उन्होंने धीरे धीरे एक एक अक्षर जोड़ के शब्द बनाना सीखा। और जब पहली बार वो पूरा हमने पढ़ लिया
तो इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, ऐसा लगा था कि क्या खजाना मिल गया। मतलब एक बात जिस पे मतलब सब पे डिपेंडेंट रहते थे, दीदी से भैया से इसमें क्या लिखा है बता दो, इसमें क्या लिखा है बता दो, तो वो जोड़ के जो पढ़ना, तो इतनी खुशी हुई थी और लगा कि मतलब कुछ है जो मिल गया। तो लिखने से पहले पढ़ने की शुरुआत होती है, लिखना बाद में आता है। अरे वाह। और ऐसे ही लेखन भी तभी शुरू होता है जब हम काफी कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन एक बात है और पोएट्री दूसरी चीज है। किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम सबके पास शब्द होते हैं, हम सब एक्सप्रेस करते भी हैं उसको, कभी बोलचाल की भाषा में, कभी लिख करके, कभी जैसे पहले जमाने में पत्र लिखे जाते थे, आजकल व्हाट्सएप पे है, लेकिन उसको कोई शेप देना, किसी व्याकरण के साथ बांध करके उसको एक धारा में पिरो देना, एक जैसे मोती मोती पिरो के माला बनाना, तो माला बनाना है तो उसके लिए व्याकरण का ज्ञान होने जरूरी है, किस तरह से जो है मोती पिरोया जाएगा, कितनी गांठ लगानी है, कितना लंबा धागा, तो ये सारी बातें पढ़ने से आती है, पहले सीखते हैं फिर लिखना आता है। तो शुरुआत तो बस पढ़ते लिखते ये, और जैसा कि आपने कहा कि शुरू में तो एक डायरी थी जिसमें नोट करते थे पहले कोटेशंस, और पापा को शौक था तो वो जब सुनते थे तो कहीं कहीं से शेर इधर से उधर से, वो बड़ा अच्छा लगता। एक जमाने में वो डायरी भी आती थी उस किस्म की जिसमें कोटेशंस लिखे हुए होते थे, उसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था। वहां से जो है धीरे धीरे शुरुआत हुई, फिर धीरे 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 होता चला गया, शुरुआत हुई थी। तो दीप्ति जी बताइए, क्योंकि जब मैंने आपकी गजलें पढ़ी आपकी वेबसाइट में जाके, बहुत ही जिंदगी के सार को आपने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही डेप्थ में उसे एक्सप्लेन किया है, तो मैं चाहूंगी कि आप बीच बीच में आप हमें अपनी कुछ कुछ लाइनें सुनाते रहे, क्योंकि इतने डीप इन डीप मीनिंग्स हैं उनके और इतने अच्छे से उन्हें पिरोया हुआ है आपने। तो मुझे बताइए कि लेखन जो आपने शुरू किया और जैसे आपको मजा आने लगा, लेकिन हर एक लेखक के लिए कुछ ना कुछ एक इन्फ्लुएंस होता है कहाँ से कहीं से उन्हें, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अट्रैक्ट करती थी, और क्या आपका लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या था लिखने से पहले, या फिर आप कुछ लिखते हैं तो उसका सार क्या होता है, मतलब कहाँ से आपको वो सब्जेक्ट मिलता है? अच्छा, इन्फ्लुएंस की जहां तक बात है तो नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, मतलब हमें मालूम भी नहीं था कि हमें लिखना आता है या हम लिखेंगे, या एक प्रोसेस के थ्रू वही एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना चाहते थे अपने आप को, और उसके लिए हमारे पास डायरी थी और वहां हम अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, और ये भी हमने देखा था और लोगों को, दूसरे लोगों को, कि वो डायरी लिखते थे तो कहीं उसको कॉपी किया हमने, मतलब एक ये बात समझ में आई जो बात किसी से नहीं कहनी है वो बात हम डायरी में लिख सकते हैं, तो हाँ ये दूसरों बड़े लोगों से समझ में आई कि वो लोग डायरी लिखते थे और छुपा के रखते थे और नहीं दिखाते थे, तो ये समझ में आया कि वो बात जो हमें किसी से नहीं कहनी है उसको हम डायरी में लिख सकते हैं। तो वहां से डायरी लिखना जब शुरू हुआ तो ये था, मतलब शायद शुरू से ही था ये कि जो जिसको बोलते हैं ना कि काफिया बिठाना या तुकबंदी करना, तो वो तुकबंदी कर लेते थे, मतलब शुरू से ये था कि लिखना है तो थोड़ा ऐसे लिखो कि एक, हाँ एक और भी बात होती है शुरू शुरू में, अब नहीं, हमें बात कहनी भी और बतानी भी नहीं है, जब हम डायरेक्ट कहते हैं तो वो हमारी बात हो जाती, सब जान जाते हैं इन्होंने कहा, तब एक ही लगता था कविता में कहेंगे तो हम कह भी लेंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा कि हमारी बात, नहीं समझते थे कि बड़े तो तब भी समझ जाते तो उस वक्त ये समझ में आता था कि बात को अगर हम कविता में कह देंगे तो वो कविता बन जाएगी और ये किसी को नहीं पता चलेगा कि हमारे दिल की बात है, तो वहां से उस तरीके से फिर लिटरेचर में इंटरेस्ट था शुरू से ही, वही कह रहे हैं कि पापा से जो मिला और मम्मी से जो मिला, मम्मी ने डबल एमए किया, पापा उनको शेर और शायरी का बहुत शौक था, तो वहां से जो हमको बचपन में
कानों में पड़ा या दिखा या वो, उससे सब रिलेट होता चला गया। और फिर लिटरेचर में एमए किया तो लाजमी था कि होना ही था ये सब। तो इस तरीके से चीजें बनी। और जहां तक ये कि जिंदगी के अलग अलग ही, बेसिकली हम वही कहते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम राइटर हैं भी या नहीं, या पोएट हैं भी या नहीं। हम सच में सिर्फ एक्सप्रेस ही आज तक वही करते आ रहे हैं जो बचपन में कर रहे थे। हम सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं जो महसूस करते हैं और उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, बस। दिस इज द थिंग। तो लोगों को एक्सप्रेस करना, पहली बात की लोगों को बहुत ये सिखाया नहीं जाता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आपको ऐसा माहौल मिला जहाँ पे आपने लेखन से अपनी एक्सप्रेशन शुरू की, लेकिन आपकी एक्सप्रेशन की स्किल मल्टी टैलेंटेड, लाइक जैसे कि आपने थिएटर भी किया हुआ है, आपने मूवीज भी की हुई है, आपने सीरियल्स भी किए हैं, आकाशवाणी, रेडियो, आपने हर तरह का एक्सप्रेशन। सो आपका एक्सप्रेशन थ्रू वॉइस नहीं है सिर्फ। तो कहाँ आपकी ये आपकी जर्नी जहाँ पे आपने थिएटर की शुरुआत की, आकाशवाणी से या दूरदर्शन से, सो ये कैसे आपने चूज किया और आपने अपनी लाइफ के कैसे टर्न लिए और आपको अच्छा, ये तो बचपन से था, हम थे मतलब शुरू से ही जैसे पढ़ाई में कम इंटरेस्टेड थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी होती थी उसमें हमारा ज्यादा रहता था। मतलब स्कूल में कॉलेज में कोई प्रोग्राम ऐसा होता नहीं था कि जो हमारे बिना हो जाए, तो वो था। और आउट स्पोकन थे, शर्माते नहीं थे, स्टेज पे जाने का शौक था, मतलब जो किसी से ना हो वो दीप्ति पांडे कर लेंगी टाइप्स होता था। तो अच्छा, और दूसरे ये कि बचपन में, हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है कि घर से कभी भी इस किस्म का वो नहीं लगाया गया कि ये तुमको नहीं करना है। तो जो हम करना चाहते थे वो हमें एक्सप्लोर करने दिया गया वहां से। फिर उसके बाद बनारस में थे, बीए कर रहे थे, वो सब लड़कियों में बातचीत चल रही थी कि वो ऑडिशंस हो रहे हैं रेडियो के, आकाशवाणी के, तो कि ये बस वो बात बात में हाँ हाँ देते हैं। गए फॉर्म ले, घर पे बताया भी नहीं, गए फॉर्म ले आए दोस्तों के साथ, भर दिया, दे भी आए और हो गया। तो इस तरह जैसे एक्सपेरिमेंटल रहे हैं हम बचपन से भी रहे हैं, और हमारे घर में भी मतलब इन ये विश्वास था पेरेंट्स को कि जो करेगी वो ठीक करेगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो ये चीजें, एक होता है कि कोई आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाता है, एक ये कि हाथ पकड़ के नहीं लेकिन आपको वो माहौल दिया जाता है बचपन से, तो फिर आप उसमें खिलते हो। तो वो मौका मिला हमको पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। और मैंने जब मैं सुन रही थी आपकी बातें और एक दो इंटरव्यूज मैंने आपके देखे, तो कुछ चेंज हुआ आपकी लाइफ में जहाँ शादी के बाद आप अपने आप को सवाल पूछने लग गए और फिर से अपनी खोज एक डिफरेंट तरीके से आपने शुरुआत करी। सो मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि पहले के एक्सप्रेशन में और जब हम खोजने निकलते हैं उसके बाद के एक्सप्रेशन में कितना फर्क आया आपकी लेखन में, और आपकी जर्नी में जब आप अपने आप को खोजने लगी और उसमें आपने क्या पाया, हम जरूर जानना चाहेंगे। बहुत फर्क आता है, जाविया ही बदल जाता है, सोच बदल जाती है आपकी। शादी हुई हमारी, बीए में थे, शादी हो गई, बीए किया, शादी हो गई, फिर एमए किया हमने एमएमएच कॉलेज से, गाजियाबाद से। बेटा हुआ हमारा, बड़ा बेटा शादी के एक साल के अंदर हो गए थे। फिर 10 साल तक हमने अपनी गृहस्थी पढ़ाई की, गृहस्थी, और वो बहुत अच्छा, मतलब जिसको कहते हैं ना खूबसूरत वक्त था वो, जो आप अपने परिवार के साथ बिताते हैं। अच्छा, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है या अच्छाई है, हमें नहीं मालूम। हम जहाँ जिस चीज हम छोड़ नहीं पाते, मतलब छोड़ते नहीं, तो अगर हम किसी से जुड़ गए या हमने कहीं जैसे परिवार, तो फिर इसके बाद कुछ नहीं। परिवार मतलब परिवार, फिर सारी बातें सेकेंडरी उसके बाद। तो हस्बैंड मतलब हस्बैंड, पूरी दुनिया सेकेंडरी। तो उस वक्त जो क्या होता है कि आप
अपने परिवार में और इसमें इतना रम गए कि हालांकि हमने एमए किया, हम पढ़ाई कर रहे थे, बावजूद इसके कि आप जो शादी के पहले एक लड़की थी जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, जो दीप्ति पांडे थी, और जहां जाती थी वो ऐसा हो जाता था यहाँ दीप्ति आई दीप्ति आई, फिर लेकिन एक बात ये कि जरूरत नहीं महसूस होती है। वो 10 साल तक हमें जरूरत भी नहीं महसूस हुई कि हम अपनी आइडेंटिटी कहीं खोजें, मतलब इतना ज्यादा रमे हुए थे हम अपने परिवार, हमें जरूरत नहीं महसूस हो रही थी और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। फिर वही एक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में और जहां ये सवाल खड़ा हुआ कि आप हैं कौन और क्या है, अगर आपको पास ये जो सारा सपोर्ट सिस्टम है ये हटा लिया जाए तो आप क्या है, तो हमें नजर आया कि हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हम जिस सपोर्ट सिस्टम के साथ बहुत खुश हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो सब, लेकिन वो तो सब आपको सहारा ऐसे करके सब आपको सहेज के बैठे हुए हैं ना लोग, अदरवाइज तो आप कुछ हो ही नहीं। तो जब वहां से तलाश शुरू हुई, उसके पहले तो प्रेम कविताएं होती हैं उसके बाद दुनिया दिखती है ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रेम कविताएं सुनी मैंने, और फिर जब आपकी जो दूसरी और आई है लेखन उनको पढ़ा तो बहुत गहरे मीनिंग थे उसमें और एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइड दिखाई दे पा रहा था इन डेप्थ। सो ऐसा लग रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एज अ लेखिका का भी। तो फिर उसके बाद जब आपने शुरू किया, जब आपका आप अपनी आइडेंटिटी खोजने लगे, तो आपका जो आप एक्सप्रेस करते थे आप अपने लेखन में, या फिर आपने जो चॉइस ऑफ रोल्स चूज किए, तो वहां से क्या बदलाव आना शुरू हुआ? एक तो ये बदलाव आया सबसे बड़ा कि हाँ, हमारे साथ वही एक अच्छी और बुरी दोनों बातें एक साथ होती हैं कि हम जब कुछ सोच लेते हैं ना फिर कोई रोक नहीं सकता, तो और शुरू जीरो से करते हैं, मतलब उसके लिए फिर हमें कोई चाहिए भी नहीं, जो करना है वो खुद ही करना है। तो हर बार पता नहीं कितनी बार हमने जीरो से स्टार्ट किया है, कई बार किया है ठीक है, तो ये स्टार्टिंग थी फिर जीरो से। और उस वक्त वही जब हमने अपने आप को टटोला खंगाला तो हम सोचा हम क्या कर सकते हैं, तो दो ही बातें समझ में आई कि हम एक एक्टिंग कर सकते हैं और एक हम राइटिंग को परस्यू कर सकते हैं, तो करियर, तो बस खुद पड़े। और फिर ये था कि वही इसके पहले तक वही होता है कि झिझक होती है राइटिंग में, हमने कहा कि आप जब अपने वो ऐसा होता है अपने घाव किसी को दिखाना या अपनी बहुत पर्सनल सी चीज किसी से कहना कि क्यों कोई दूसरा क्यों जाने, लेकिन फिर उसको पॉलिश करके मतलब वो इतना पर्सनल भी नहीं होता है, क्योंकि मोर और लेस हम सबकी फीलिंग्स एक जैसी है, हम सबके सुख दुख एक जैसे हैं, जिससे हम गुजरे उससे दूसरा भी गुजरा है, तीसरा भी गुजरा है, थोड़ा अलग होगा। तो वो चीजें जब आपको समझ में आने लगती तो लगता है अरे ये तो दुनिया ही इसी में है, हम अकेले थोड़ी ना है। तो उस तरह से फिर वो राइटिंग को हमने लाना शुरू किया बाहर दुनिया के सामने, और एक्टिंग के लिए फिर ऑडिशन देने चले गए दूरदर्शन, और वहां जब गए तो इतने सारे लोग, कोई शूटिंग से आ रहा था, कोई रिहर्सल से आ रहा था, फिर यही लग रहा था कि हम यहाँ कहाँ, लेकिन हो गया ऑडिशन, हो गया क्लियर। तो इसी तरह से इस वक्त गाजियाबाद में थे, हम साहिबाबाद जाते थे प्ले का रिहर्सल करने, गाजियाबाद नोएडा से जाते थे बस से साहिबाबाद मोहन नगर से ऑटो लेके साहिबाबाद, और जहां ऑटो जहां जाता था वहां से रिक्शा लेकर के ललित मोहन थपलियाल जी के घर, ये डेली रूटीन रहता था जाना और आना, मतलब एक झक सवार होती है, हमको करना है तो करते थे और उसका फिर फल भी मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें जब यात्रा शुरू हुई तो हमें नहीं मालूम था, मतलब हमें ये लगता था हम एक चीज में आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम था, लेकिन वो बाय चांस है, मतलब ऊपर वाले का करम है कि दोनों चीजें ही जो है वो बढ़ी। मुझे लगता है कि
आपने अपने हर लेखन में ये भी बताया है, आपने एक बहुत ही डाइकोटमी बताई है कि ये अच्छा है या बुरा है पता नहीं, पर ये काम करता है. और ये मुझे आप अभी भी जैसे बोल रहे हैं, ये मेरी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है पता नहीं, पर ये हाँ. कुछ ना कुछ सक्सेस को या फिर आगे बढ़ने के लिए मदद जरूर करती है. तो फिर मुझे आपसे ये पूछना है कि गुलाम अली साहब ने और आपकी जो लेखन है उसको, आपको ऐसे कौन से कलाकारों का और सपोर्ट मिला जहाँ पे आपकी और लेखन काफी प्रसिद्ध हुई, सॉन्ग्स बने काफी सारे, टाइटल सॉन्ग्स बने हैं काफी सीरियल्स के, काफी सॉन्ग्स बने हैं मूवीज के. सो वो जर्नी और आगे बढ़ाते टाइम कौन कौन आपके कलाकारों ने आपको सपोर्ट किया और उस बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा, ये भी एक अजीब ही कहानी है. इसको किस तरह से कहें, हमें सपोर्ट अपोर्ट नहीं किया किसी ने. ये जो भी है ये डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब किताब है. यहाँ कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, कुछ होता है तो ही कुछ लेता है. कोई अगर खरीदता भी है ना तो तभी खरीदता है जब माल कुछ होता है. मतलब कोई इसलिए आपको नहीं गा देगा कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, या कोई इसलिए किसी के लिए नहीं लिख देगा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपसे कुछ मिलेगा हमको तो ही हम लिखेंगे, या हम हमारी गजल में या हमारी चीज में कोई बात होगी तभी आप उसको गाएंगे. ये इंडस्ट्री का रूल है. तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता. लेकिन हाँ, हुआ ये कि वही हम कह रहे हैं कि जर्नी थी ऐसी कि जो हम करते गए उसमें हमको सफलता मिलती गई. और सफलता के साथ साथ एक और बड़ी बात है कि हमने अपने आप को बहुत पॉलिश किया है. हमने बहुत मेहनत की, मेहनत साधना की है हमने. मतलब गजल को लेकर के, लेखन को लेके, चाहे एक्टिंग हो, जो कुछ भी है, हमने अपने आप को बहुत मांझा है, बहुत बहुत प्रैक्टिस की है. और उसी का फल मिलता है जो मिलता है. तो गुलाम अली साहब ने हमें नहीं गाया एक्चुअली. हम ये अशोक मिश्रा विजन म्यूजिक के मालिक है, उनको हमारी गजलें बहुत पसंद थी. तो उन्होंने कहा दीप्ति जी हम आपके गजलों का एल्बम बनाना चाहते हैं. मैंने कहा बनाइए. तो बोले आप क्या चाहती हैं कि कौन गाए. हमने कहा गुलाम अली साहब गाए. तो बोले अच्छा ठीक है. तो ये इस तरह से हुआ कि तो 8 गजलें हैं जिसमें 2 गुलाम अली साहब ने गाई हैं और बाकी कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाई हैं. तो ये सिलसिला फिर हरिहरन जी का फोन आया, फिर तो बहुत लोगों ने गाई. लेकिन हाँ, ये एकदम सीधा सीधा है. इसमें कुछ भी मतलब किसी ने हम पे एहसान नहीं किया, हमने किसी पे एहसान नहीं किया. बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक आर्ट आर्टिस्ट को ढूंढ ही लेते हैं जो आर्टिस्ट अट्रैक्ट कर ही लेते हैं जो अपने चाहने वाले हैं. हाँ, फिल्मी लेखन की जहां तक बात है वो भी एक बहुत मतलब शायद नहीं किसी को यकीन हो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है फिल्म में लिखने का. मतलब ना गाने लिखने का, ना डायलॉग्स लिखने का, मतलब कुछ भी. क्योंकि वो राइटिंग जो होती है वो बहुत फोर्स राइटिंग होती है और बहुत उसको मतलब इतना बांध के ऐसे और वैसे, और तो हमारा वो फोर्टे ही नहीं है. मतलब हमारी सोच भी नहीं है. बल्कि ये हुआ था कि हमसे जब राजबाबू राजकुमार बरजातिया जी एक कार्यक्रम में उन्होंने सुना था और वो बहुत ज्यादा, खैर वो मानते बहुत थे वो, फिर उन्होंने कहा था आप हमारी राइटर्स की टीम में शामिल हो जाइए. अच्छा. तो हमने उनसे माफी मांग ली थी. हमने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते. तो बोले आप क्यों नहीं करना चाहती. तो हमने कहा हमको एक चीज ऐसी खुदादाद मिल गई है भगवान से, ऊपर वाले से, मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि वहां से कुछ हमको मिल रहा है जिसपे हमारा बंधन भी नहीं है, तो हम आपका बंधन क्यों लगाएं उस पे. बहुत खूबसूरत बोला है आपने. और मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट जो भी ये है बंधन से काम करे तो फिर उसका आउटपुट जो निकलना चाहिए, क्योंकि आपके गजलों में जो मैंने देखा है एक फ्लो है, एक काफी फ्री फ्लो, एक एक्सप्रेशन है. तो आप मुझे बताइए कि ये आपकी पहली जो बुक आई थी वो है बर्फ पे पलटी हुई आग, फिर आई है तो है, और बाद में बात दिल की कह तो दे. तो आप में से, इन तीनों में से आपकी कौन सी फेवरेट है. मुझे पता है ये बहुत
सही सवाल नहीं है, लेकिन हमें जरूर लगता है कि अपने लेखन में जो लिखता है उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेखक को लेखन को देखने के लिए बता, तो आप बताइए। हाँ, इसके बाद एक और आ गई है, यहाँ वहाँ कहाँ। हाँ अच्छा, तो है क्या कि जो बर्फ में पलती हुई आग है वो पहला पहला स्टेप है, पहला चरण, पहली सीढ़ी, तो उसमें बहुत कच्चापन भी है। ठीक है, जब शुरुआत होती है, जब आप बाद में पलट के देखते हैं तो आपको लगता है अरे इसमें तो बहुत अच्छा, मतलब ये ऐसा हो सकता था या वो वैसा हो सकता था, इसमें ये रह गया उसमें वो रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो शुरुआत है और ये बताती है कि हम ही नहीं लिखा है, नहीं तो एकदम परफेक्ट होती है। हाँ जी तो इसलिए ये है, फिर उसके बाद है तो है, उसके बाद थोड़ी परिपक्व, मतलब काफी फर्क है तो है में और यहाँ वहां कहा और बर्फ में पलती हुई आग में। उसके बाद दिल की कहते हुए उर्दू में है, उसमें सब मिक्स है। फिर यहाँ वहां कहा है तो यहाँ वहां कहा और है तो है में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन बर्फ में पलती हुई आग और यहाँ वहां कहा और है तो है में अंतर है। तो आप जब लिखते हैं तो आपका ऐसा कोई सेक्शन है जो कि बहुत फेवरेट हो कि मुझे लव के बारे में, प्रेम कथाओं के बारे में लिखना पसंद है, या फिर आप बाय चॉइस आप जब, क्योंकि मुझे आप, मैंने कहा कहीं सुना कि एक राइटर्स का, जो मैंने सुना है कि एक रिचुअल होता है कनेक्ट करने का अपने सब जो भी आइडियाज आ रहे हैं या जो भी आप लिखते हैं, तो आपका क्या रिचुअल है अपने जो आप लिखते हैं उसके साथ कनेक्ट करने का और उसे एक्सप्रेस करने? कुछ भी नहीं है, और हमारा कोई ना टाइम फिक्स है, ना तरीका फिक्स है, ना मतलब कभी झटके में यू और यू आता है और उसको उसी वक्त उतार दो कागज पे, नहीं उतारा तो गया। और कभी ये है कि एक सेंटेंस आ गया, एक थॉट आ गया, आप घंटों लगे हुए हैं, बट दिस इज द ओनली थिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब हम सोच के तो कभी लिख भी नहीं सकते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम वो राइटिंग करते ही नहीं। हमें मिलते हैं प्रोजेक्ट्स कि स्क्रिप्ट लिखनी है या प्रोग्राम्स होते हैं उनका तो हमें मजा नहीं आता, मतलब हम करना ही नहीं चाहते बेसिकली, क्योंकि वो बहुत मैकेनिकल चीजें हैं बिल्कुल, और वो बड़े बंधी हुई सी, उसके वही शब्द होते हैं, वही क्रियाएं हैं, वही, तो वो करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। जो और लोग ने, मतलब मालूम नहीं, हमें लगता है कि हम वही करें जो हम कर सकते। बिल्कुल, सो एक्सप्रेशन आपका फोर्टे है, जैसे हम देख रहे हैं कि आपको बहुत पसंद है एक्सप्रेस करना। तो एक्टिंग जब आपने शुरू की, तनु एड्समानु भी है, बहुत सारे सीरियल्स भी आपने किए हुए हैं, एड फिल्म्स भी बहुत की हुई है, तो एक्सप्रेशन एक्टिंग के थ्रू करना और लेखन में आपको क्या फर्क महसूस करते हैं, और आप क्या अपने रियल लाइफ में भी अपनी उतने ही एक्सप्रेसिव है अपने फैमिली के अराउंड और आगे, ये हम जानना चाहेंगे। एक तो रियल लाइफ में हम बहुत एक्सप्रेसिव हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, कम होना चाहिए। ये भी वही है जो आपने बताया, ये मेरा वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? हाँ, हम चुप नहीं रहते, हम कह जरूर देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एक्सप्रेस कर देते हैं, तो कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन होता नहीं हमसे। ये तो रियल लाइफ की बात हो गई। फिल्म में और राइटिंग में जो बेसिकली फिल्म में हम इमिटेट करते, फिल्म में जो है ना वो किसी कैरेक्टर में जाते हैं, किसी को प्ले करते हैं, वो हम नहीं होते। राइटिंग में पूरी तरह से हम मौजूद होते हैं। बिल्कुल, राइटिंग जो है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है, वो बिल्कुल, मतलब अगर आप ईमानदार हैं तो वो बहुत करीब है उसके। और एक्टिंग जो है वो पूरी तरह से एक टेक्निक है, उस टेक्निक में, मतलब एक्टिंग का मतलब ये है कि एक्टिंग करो और एक्टिंग ना लगे, ये एक्टिंग है। सही है। हाँ, तो उसमें भी मजा आता है, बहुत मजा, और उसमें एक ज्यादा मजा ये आता है कि जब आप बहुत सारे रोल्स करते हो ना डिफरेंट टाइप के, तो नेगेटिव रोल करने में बहुत मजा आता है। उसका रीजन क्या है कि आप इतने जो हमें सिखाया और बताया गया ना, अच्छे का मतलब अच्छा और बुरे का मतलब बुरा,
तो जीवन में आप बुरे हो नहीं पाते हो, यह मौका मिलता है। तो हाँ। जो ना ये बहुत बढ़िया आपने कहा कि आप किसी और को प्ले करके अपने हर शेड को एक्सप्लोर कर सके, ये तो अंदर से रेचन हो जाता है, खाली हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब। दीप्ति जी हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे आपकी, कुछ बहुत ही दिल के करीब कुछ अगर कुछ लाइनें आप हमें सुना पाए। अच्छा, हमारे दिल के करीब तो पहले दिल देखें कहाँ है अच्छा हम ये गजल है कि अच्छा हमको ये भी नहीं मालूम है हमारे श्रोता दर्शक कैसे किस तरह का सुनना चाहते हो आप लोग, तो हम उस तरह का सुना है। हाँ जी, हम अपने चैट में अगर किसी हाँ जी आप चैट देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में, आई थिंक हम थोड़ी देर में ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे और आप रोमांटिक कह रहे हैं कोई रोमांटिक, चलो तो हम है तो है सुना देते हैं। हाँ जी, जो हर बार सुनी जाती है सिग्नेचर गजल है जो हमारी, बिल्कुल। तो ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। क्या बात, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। बहुत बढ़िया, कि जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी शेर है, कुर्बत का मतलब होता है कनेक्शन, निकटता, समीपता, कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है। बहुत बढ़िया, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये सुनने के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छू जाता है। आई मीन जहाँ डेली लाइफ में हम लोग इतने रोबोटिक जीते हैं, आप ये सब आपके कुछ ना कुछ आई थिंक हर एक के दिल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे तारे छेड़ता है जहाँ पे एक डिजायर क्रिएट होती है। तो बहुत ही सुंदर आपने बोला और बहुत लोगों ने तारीफ करी है हमारे चैट में। दीप्ति जी अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पे ऐसा कुछ इसमें सही जवाब सही और गलत जवाब नहीं है और बिल्कुल आपका जो दिल है आप बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे बताइए कि ये शुरुआत करते हैं, अगर आपको कुछ लिखना पड़े फ्यूचर में, ऐसी कोई चीज जो आप दुनिया में कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो आप क्या करना, कौन सा टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? माय ख्याल से हम करते ही यही हैं क्योंकि हमारे टॉपिक्स से ऐसे होते हैं जो मतलब लोग सोचते हैं इस पे लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, पता नहीं, राइटिंग के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते मतलब। ओके, हाँ, पर ऐसे इस मोमेंट पे ऐसी कोई चीज जहाँ पे आप लिखना चाह रही हो या फिर आपकी करंट क्या, आप किस चीज पे लिख रही है, आप वो भी बता सकते हैं। अभी तो अच्छा हमारे साथ ये भी है कि बहुत कुछ चल रहा है, हमें नहीं मालूम ये पूरा जो लॉकडाउन का पूरा जो प्रोसेस है, कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, अब ये निकल के क्या आएगा ये तब पता चलेगा। मतलब वही है कि दुनिया कोरोना 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 इतना लिख रहे हैं, मतलब हमें लगता है कि कोरोना से ज्यादा इस कोरोना ने दुखी कर दिया है जो लोगों ने गा बजा करके मतलब दिमागों में घुसा दिया एकदम, तो
तरीके से क्या लिखेंगे, हमें नहीं मालूम। शायद हम ये जो अभी जो हमारा एक्सपीरियंस जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वक्त, शायद इस बारे में लिखें जो हमारी और आपकी बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना में आई थिंक सब लोग अपने साथ काफी रह रहे हैं और काफी रियलाइजेशन हो रही है लोगों को। तो मुझे बताइए, क्या आप एक बेहतरीन लेखिका है या एक बेहतरीन कलाकार, दोनों में से आप क्या चूज कर? कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, तो आपके फेवरेट लेखक कौन है? ये भी क्या होता है ना, एक तो दिक्कत किस बात की है ना कि कहीं कुछ पूरा समग्र मिलता ही नहीं है। सच्ची सच्ची बोलते, झूठ बोलते ही नहीं, किसी में सब कुछ अच्छा लगा ही नहीं हमको आज तक, किसी भी लेखक में या किसी भी कवि में। अगर हम ये मान लें कि वो समग्र रूप से हमको अच्छा लग रहा है तो नहीं, कुछ कुछ रचनाएं हैं हर व्यक्ति की, कुछ कुछ उसमें है जो हमें खींचता है, जो अपील करता है। शायरों में जैसे जो समकालीन निदा फाजली साहब के शेर हमें बहुत अच्छे लगते थे, कहानियों में हमको शिवानी जी की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, उधर चले जाओ तो मुनीर नियाजी हमें अच्छे लगते हैं, या जॉन एलिया हमें अच्छे लगते हैं, या फिर हमें दिनकर अच्छे लगते थे, हमें महादेवी वर्मा नहीं अच्छी लगे, मैं नीर भरी दुख की भरी, मतलब रोता पीटता व्यक्ति हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो मतलब जो है हमारी अप्रोच, जो सोच है, हमें लगता है कि दुख दुख है, लेकिन दुख को दुख ही कहा तो फिर क्या कहा। तो इस तरह से हैं लोग जिनको, जो जिनकी कुछ चीजें हैं जो हमें अच्छी लगी, मतलब जिन्हें निराला का ओज बहुत अच्छा लगता था, दिनकर का ओज बहुत अच्छा लगता था, पंत जी कम कम अच्छे लगते थे, जयशंकर प्रसाद पलायन उनका हमें कम अच्छा लगता था। तो ऐसे ही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सच जवाब दिया है आपने, क्योंकि जैसे आपने कहा है क्यों एक ही क्यों, जब बहुत सारी चीजें, बहुत जगह है जो पसंद है। बिल्कुल, अगर आप अपनी जब लिखती है, लेखन लिखती है, तो आप पहले उसे किसे पढ़ाती है? ऐसा कोई फैमिली मेंबर या कोई जो आपको सबसे ऑनेस्ट रिव्यू या फीडबैक देता हो आपके लेखन के ऊपर? तो फेसबुक पर डाल देते हैं। अरे वाह, आज तो डायरेक्ट हो गया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ऐसी कोई चीज है जो आपको परेशान करती है काफी और आप अपने लेखन के थ्रू उसे एक्सप्रेस करते हैं? नहीं, हमको हमको कोई चीज या कोई बात या कोई व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं है, हमको लेखन ही परेशान करता है। मतलब कुछ चल रहा होता है, नहीं मालूम होता वो क्या है, उस वो हमें परेशान उस हद तक करते हैं कि हम उसको एक्सप्रेस ना कर दें। जब तक वहां तक वो हमें बेचैनी, वो और जब हम वो उतर जाता है कागज पे, फिर हम उसको परिमार्जन करते हैं, लेकिन जब वो उतर जाता है ना तो तसल्ली मिलती, फिर वो बेचैनी और वो जो अंदर से कुछ है वो निकलता है। कोई वैसी कोई परेशानी या नहीं? और आपके जो आपके जो लेखन मित्र हैं, अगर आपकी एक लेखन मित्र जैसे होते हैं कि आपकी जो भी आपने लिखा है उसका, कभी आप ऐसे भी होता है कि किसी ने आपको क्रिटिक्स दी हो अपने? हाँ, बहुत होता है, और हम तो इसके लिए बहुत ओपन है, क्योंकि हमें चाहिए है कि वो वाहवाही करने वाले मित्र हमको मित्र ही नहीं लगते, क्योंकि वाहवाही करने के लिए दुनिया पड़ी है। सच्चा दोस्त तो वही है जो ढूंढ के ला के दे आपको कि देखो दीप्ति यहाँ ये गड़बड़, जो हमसे चूक हो गई उसे वो निकाल दे, तो वो दोस्त है। हाँ, होती है इस तरीके की चीजें, और हम थैंकफुल होते हैं उनके जब कभी ऐसा कुछ होता है। आपकी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन ने आपको एज अ पर्सन कैसे इवॉल्व किया है? हमको? हाँ जी, आपकी पर्सनालिटी को। एक्चुअली हुआ क्या है, करते करते हो ये गया है कि हम अब ना तो हम मतलब लेखन में हम में लेखन है, हम दो है नहीं, मतलब जैसे हैं वैसे ही लेखन में है, जैसे लेखन में है वैसे ही जीवन में है। तो कुछ है पागल से।
और आई थिंक यही दुनिया आपके बारे में बहुत लाइक करती है कि पागलपन जो ये बहुत मैडनेस है एक्सप्रेस करने का और अलग सोच सोचने का और उसे एक्सप्रेस करने का, आई थिंक यही आपको आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस जो, लेकिन यही लोगों को बहुत पसंद आ रही है। दीप्ति जी, हमारे पास अभी हम ओपन हैं क्वेश्चंस के लिए, अगर कोई भी ज्योति अभी हमारे ऑडियंस जो यहाँ पे है जो क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे आपसे, आप प्लीज उनसे। यस बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ रेस किए हैं, सो मैं जिनका नाम लूंगी वो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सवाल जितना छोटा पूछे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं जो कुछ कुछ पूछना चाहते हैं, दीप्ति जी से बात करना चाहते हैं। तो पहला सवाल मैं लेती हूँ सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी का। सत्येंद्र जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सत्येंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, तो जब तक सत्येंद्र जी अपना अनम्यूट करते हैं, मैं वेदुला जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे। वेदुला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी दीप्ति जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका आपने जो गजल पढ़ी वो सच में मैंने कई बार सुनी है और मुझे हर बार वो एकदम उतनी ही ताजगी के साथ और लगती है और बहुत अच्छी लगती है। आपने अपने आप को अभिव्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं छोड़ा जो आपके मतलब पास आता गया, आप उसको अपनाती गई और आपने हर एक माध्यम में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। और अभी वार्तालाप के दौरान जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा अब दिल देखे कहाँ है, तो वो कौन सा ऐसा माध्यम है जहां पर आज दीप्ति मिश्रा अपने आप को अभिव्यक्त करके सार्थक महसूस करती हैं, पूर्ण महसूस करती हैं और लगता है कि यस ये माध्यम है जहां पर दीप्ति मिश्रा होती हैं बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी बनावट। माध्यम तो यही है जो अभी जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस माध्यम से आजकल तो कोरोना काल में तो हमारे पास ऑनलाइन ही जो कुछ है माध्यम, ये दूसरे हमें संतुष्टि सिर्फ इस बात से होती है कि हाँ हम अपने आप को वहां तक ले आए हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही है। मुश्किल होता है ये काम, वाकई बहुत मुश्किल है कि हम हमेशा वो दिखना चाहते हैं जो होना चाहिए, जो है वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि इतने सारे हमने अपने ऊपर वो लाद रखे होते हैं सामाजिक के, व्यक्ति स्त्री को ऐसा दिखना चाहिए, लेखिका को यूं दिखना चाहिए, यूं होना चाहिए, मतलब हमारे ऊपर लाद दिया गया, हमारे ऊपर बांध दिया गया हमको कि हमें ऐसा होना चाहिए। क्या जरूरत है, हम जैसे हैं हम वैसे ही सबके सामने हों, तो बस इसी से हमें संतोष भी मिलता है और इसी से हमें खुशी भी होती है कि हमें आवरण की आवश्यकता अब नहीं रह गई, चाहे लेखन हो, चाहे दिखना हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे हर जगह हम ऐसे ही मिलेंगे। हाँ ये हो सकता है कि अभी थोड़ा तैयार है और किचन में हो तो थोड़ा गंदे संदे हो, इतना फर्क। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ये प्रेरणा मिली कि बिना आवरण के ही व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचा के रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। परवीन धन्यवाद। शुक्रिया वेदुला जी। अगला सवाल है सीमा सिंह जी का। सीमा सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछिए। नमस्कार दीप्ति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मैंने सुना बड़ा ही बेबाकी से जो मुझे पसंद आता है आज के दौर में, इतने जुझारू महिलाएं होते हुए भी आपने कोई क्षण अपने आप से समझौता नहीं किया। क्या कभी कोई डर या कोई झिझक आपके व्यक्तित्व, लेखनी व्यक्तित्व पे क्या कभी भारी पड़ा या कभी सोचना पड़ा कि ये लिखूं या ना लिखूं? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्षण आए, बहुत सारे मोड़ आए जहां हर बार रुक के सोचना पड़ा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने वो रिस्क लिया, हम आगे बढ़े और हम जो हमें लगा कि हमें करना है तो हमें करना है, लेकिन उस करने से पहले हम हर तरह के रिजल्ट के लिए तैयार थे। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है बहुत सारे बुरे रिजल्ट आए हैं सामने,
लेकिन हमने उनको सहाय, उनको झेला, उनसे आगे निकले, क्योंकि यात्रा तो फिर थम जाएगी, रुक जाएगी जहाँ ये सोच के रुक गए कि सामाजिक तौर पे या लोगों के नजरिए से हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर तो वही खत्म हो जाएगा सब कुछ। हमें जो ठीक लगता है, हमें लगता है वही ठीक है, क्योंकि ये कौन तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और तो जो हमें सही लगा वो हमने किया, और ऐसे बहुत सारे मोड़ आए, और ऐसे मतलब क्यों हर पल हर क्षण आता है ये, तो किसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे मतलब इस यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है उससे, यही करके कि सोचा कि ये करना है और कर लिया, लेकिन उस करने के बाद बहुत सारी मुश्किलें आई लेकिन उनको भी पार किया। तो ये हौसला अगर हो तो वो बात है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है ये। आप जो जितने आत्मविश्वास आप में दिखते हैं, इसके पीछे बहुत सारे ऐसी मोड़ आए होंगे आपके जिंदगी में। बिल्कुल, और एक अच्छी बात ये हम यही कहना चाहते हैं, ये जो हर्डल्स है ना, यही आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, यही मुख्य ऊर्जा ही यही है। ये ना हो तो भी कुछ है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। ये हमें एहसास दिलाते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, तो ये हमको ऐसे पार करना सिखाते हैं, ये स्ट्रेंथ बन जाते हैं। जी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद सीमा जी। हम एक दो प्रश्न और लेंगे। अगला है नीलिमा जी का। नीलिमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी दीप्ति जी, सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जी नीलिमा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक आपकी शायरी है जी। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे जी। तो मतलब इसे हम मोहब्बत में नाकामी कहें, या कि हम ये माने कि हम जिससे मुखातिब हैं या जिस शख्स से हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे मिजाज से मेल नहीं खाता है क्या? अच्छा ये बताइए, जब नदी समुद्र में मिलती है जी, तो वो क्या है? वो दोनों अलग अलग है, मीठी थी नदी, समुद्र में मिल गई लेकिन हो तो गई खारी, तो वो नाकाम हुई या कामयाब हुई? नाकाम तो बस ऐसा है कि कुछ है। ये बदलाव जो है ना जीवन के तो ऐसा ही होता है, इसमें कामयाबी भी नहीं है, नाकामयाबी भी नहीं है, एक जो प्रोसेस है, एक परिवर्तन है, एक और वो परिवर्तन होता है। और ये तो मोहब्बत छोड़ दीजिए, हमारे जो ग्रोथ होती है ना, जैसे आप ऐसे ही सोच लीजिए, हम बच्चे थे तो हम कितने निश्चल थे, जैसे जैसे बड़े होते गए ना खारे, कितना कुछ आ गया हमारे अंदर। तो ये बचपन और जवानी मान लीजिए तो भी, जिस दृष्टि से देख लीजिए, जिस दृष्टि से ये नजरिया है हमारा अपना, जैसा भी हम देख ले जी। और ये शिकायत भी है समंदर की, समंदर से नदी की, सीधी सीधी। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया जी, थैंक यू, शुक्रिया नीलिमा जी। अब एक आखिरी प्रश्न हम लेंगे। पूनम मिश्रा जी, आपका एक सवाल है जो आप पूछना चाहती हैं दीप्ति मिश्रा जी से। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपका सवाल ले लीजिए। पूनम मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? पूनम मिश्रा जी के हमें कमेंट्स आ रही है चैट बॉक्स में, मुझे लगता है या तो उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट नहीं। हाँ हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार दीप्ति जी, नमस्कार। मैं पूनम मिश्रा नागपुर से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आप कहानियां लिखती हैं, मैं भी एक लेखिका हूँ, मैं भी लिखती रहती हूँ, मेरी भी किताबें आई है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो एक नारी विमर्श की जो कहानियां होती है, मैं जनरली उस पे ज्यादा फोकस करके लिखती हूँ, किंतु क्या उसका अभी भी चलन है क्या भी? देखिए एक बात, तो मैं कहानी नहीं लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, गजलें और कविता। और मैं माफी चाहती हूँ, मुझे नारी विमर्श शब्द ही नहीं समझ में आता, मुझे इसका अर्थ ही नहीं मालूम है, क्योंकि नारी विमर्श क्या, पुरुष विमर्श क्यों नहीं और मनुष्य विमर्श क्यों नहीं,
मतलब ये विमर्श सिर्फ नारी के लिए क्यों, मुझे तो यही बात नहीं, नहीं नारी के, नारी से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। आज भी ये पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पे जो समस्याएं होती है वो नारी से संबंधित ज्यादा होती है, तो मैं उस जो समस्याएं हैं उन्हें उजागर करना चाहती हूँ, उन्हें सबके सामने रखना चाहती हूँ। आप सही कह रही हैं, लेकिन नारी नारी के प्रति जो समस्याएं हैं उसके लिए पुरुष विमर्श होना चाहिए, पुरुष विमर्श हो जाएगा ना तो नारी की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा आपने एक नया ये दे दिया है, शब्द दे दिया है जिससे हमें आगे प्रोत्साहन मिलेगा उस चीज को उजागर करने में। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपके हर प्रश्न के उत्तर से, बहुत सुंदर रहे। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम जी। थैंक यू। अभी मुझे लगता है हमारे पास समय की भी कमी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न हम आपके पास सवाल बहुत सारे लोगों के पूछने के लिए हैं, बट समय की पाबंदी की वजह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। सच को मैंने सच कहा, जो कह दिया तो कह दिया। आई थिंक ये स्पेशली मिडिल एज के आने के बाद ये सबका एंथम बन जाता है एक बार में कि और आपने इन वर्ड्स को संजोया और हमारे लिए इतना इजी कर दिया ये बोलना। आई थिंक जब किसी को बोलना है कि बस अब हो गया तो आप ये बोल दीजिए, बस अब जमाने की नजर में हिमाकत है तो है। थैंक यू सो मच, आपकी बेबाकी, आपकी सच्चाई, आपकी साफगोई की जो मिश्री थी वो हमारे अंदर सब घुल गई है। दिस कॉन्वर्सेशन वॉज सो स्वीट एंड अमेजिंग। आपने हमको और हमारे कलम मंच को टाइम दिया और इसको आपने नवाजा, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं जो ऑडियंस जो इतनी इन्वॉल्व थी, पूरे चैट बॉक्स में आप देखिए कि बहुत रुचि से देख रही थी और बहुत उन्होंने एंजॉय किया और मैं थैंकफुल हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन की जो हर वक्त आप जैसे बहुत इंटरेस्टिंग ऑथर्स को लाते रहते हैं और श्री सीमेंट, लोकमत टाइम्स और रेडिसन ब्लू जिसके सौजन्य से हम हर बार आप सबके पास ये मंच पहुंचाते रहते हैं। ये बातचीत अधूरी है, आपको नागपुर आना है और हम बहुत इंतज़ार करेंगे आपका कि आपको ज़रूर हम नागपुर तक ले आएं और ये कॉन्वर्सेशन चलती रहे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई सेलिब्रिटी है, ऐसा लग रहा था बस हम में से कोई है और ये बस बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड अगले सत्र में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए ऑथर के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।